नमस्कार दोस्तों, मैं मनसा राम राम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएमएससी गुरु पर। बात करेंगे केबीएस वैकेंसी 2023 के बारे में और फॉर्म को आप फ्री में कैसे भर सकते हैं, इसके बारे में हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। कई कैंडिडेट अपेयरिंग में हैं, यानी कि उनका बीटीसी डीएलएड या फिर बीएड चल रहा है, साथ में सीटेट 2022 का उन्होंने फॉर्म को भर दिया है, चाहते हैं कि केबीएस का हम पेपर जो है देने को पाए और उसमें जो है बैठने को पाए। तो उसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और आपको फ्री में कैसे फॉर्म भरना है, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हों, ओबीसी कैंडिडेट हों, किसी भी कैटेगरी के हों, आपको जो है फ्री में यहाँ पे फॉर्म भर करके आप पेपर देने को पा जाएंगे। इसके लिए हम आपको यहाँ पे कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं और साथ में कुछ ऐसे जो है काम जो कि आप अगर नहीं करते हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, इसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जिनके भी प्रॉब्लम आ रहे हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी या फिर पीएच सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कई लोग कह रहे हैं कि हमारा सर्टिफिकेट पुराना है, कौन से ईयर का होना चाहिए, कब तक वैलिड होगा, सब कुछ यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, फॉर्म को भरने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल पाए और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजें प्रोवाइड हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, उससे पहले हम यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको, जो भी कैंडिडेट पीआरटी टीजीटी या फिर पीजीटी के केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन के द्वारा कंप्लीट पैकेज जो है लॉन्च कर दिया गया है। आप जाकर के मार्केट से भी ले सकते हैं और दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से अगर आप परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट प्राइस पे भी उपलब्ध हो जाएगा। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस और इससे रिलेटेड एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जनरल इंग्लिश के लिए तार्किक अभियोगिता, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और साथ में यहाँ पे करंट अफेयर की भी मैगजीन जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ में ईवीएस, यहाँ पे गणित और सब कुछ यहाँ पे प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए और जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बुक्स को प्रिपेयर किया गया है। आप यहाँ पे जाकर के एक बार चेकआउट जरूर करें और इन बुक्स का जो है आप डेमो भी देख सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से कि कैसे जो है बुक को प्रिपेयर किया गया है। सब कुछ यहां पे सरलता और सुगमता से जो है बनाया गया है, लेवल को ध्यान में रखते हुए ही पेपर जो है डिजाइन किए गए हैं। तो ये बुक आप जो है जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहां पे हम बात कर लें कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं और उनको अभी नहीं पता है कि ओबीसी EWS, SC, ST का सर्टिफिकेट उनका कब का होना चाहिए और सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए, उनको हम यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दे देते हैं, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर किया जाएगा। उससे पहले अगर वीडियो को आप देख लेते हैं और आपका जो है लास्ट डेट यहाँ पे 26/12 है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग ने फॉर्म नहीं भरा होगा तो आप जो है इन सर्टिफिकेट को अभी भी जो है बनवा सकते हैं। 20 से 25 दिन में आराम से ये बन जाएगा और तब तक जो है यानी 26/12 से पहले आप जो है इसको प्राप्त कर पाएंगे। तो यहां पे देख लेते हैं, आपको फॉर्म को भरने से पहले यहां पे ध्यान रखना है कि ओबीसी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो नॉन क्रीमिलियर का यहां पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। स्टेट देखिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है जातियों को बांटा गया है और उसके अनुसार यहां पे ओबीसी का जो है सर्टिफिकेट बनता है। तो यहां पे सेंट्रल लेवल का आपका जो है होना चाहिए ओबीसी का सर्टिफिकेट, आप जो है अपने सीएससी सेंटर से नजदीकी या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर के आराम से बनवा सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ही सर्टिफिकेट मान्य होगा, अगर पुराना सर्टिफिकेट है तो आप उसको नवीनीकृत करवा लें। साथ में यहां पे जो भी आप जानकारी फॉर्म में भरें वो 10th के अकॉर्डिंग भरें। अगर आपके नाम में कोई गड़बड़ी है तो आप जाकर के, जैसे कि मान लीजिए ग्रेजुएशन में नाम में आपकी स्पेलिंग अलग है और 10th में अलग है, तो आप उसको ग्रेजुएशन वाले को चेंज जरूर करवा लें। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें सारी चीजें जो वही मेंशन हो जो कि आपके 10th के मार्कशीट में मेंशन हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एससी एसटी कैंडिडेट जो भी हैं उनके पास यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट कुछ नहीं होता है, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। देखिए, सर्टिफिकेट वैलिड होता है यहाँ पे 3 साल के लिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट यहाँ पे और एससी एसटी का सर्टिफिकेट वैलिड होता है, लेकिन यहाँ पे नॉन क्रिमिलियर ही मांगा गया है, इसलिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ही होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो भी हैं उनका भी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का सर्टिफिकेट मान्य होगा, तो उनको ध्यान रखना है कि 26/12 से पहले आप उसको सर्टिफिकेट जो है इसको कंप्लीट करवा लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, जो भी सर्टिफिकेट मांगे गए हैं 10th 12th ग्रेजुएशन बीटीसी बीएड सब कुछ आपको अच्छे से रख लेना है, साथ में यहाँ पे अपलोड भी करना होगा, तो ये सब कुछ जो है स्कैन करके आप अच्छे से अपलोड करें। और यहाँ पे थंब आपका जो है बाएं अंगूठे का होगा, उसको आप जो है अभी पहले से ही निकाल के रख लें। 6 मंथ जो है पुराना फोटो आपका जो है
नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 महीने से पहले का फोटो नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो ही आप जो है लगाएं, सिग्नेचर वही करें जो कि आप लगातार करते हुए आ रहे हैं, किसी इधर उधर के चक्कर में मत पड़े। आपको कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे मैक्सिमाइज करना है, फॉर्म को कैसे भरना है, अगर कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी कठिनाई आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि फ्री में फॉर्म कैसे भरना है। आपको पता है कि यहां पे जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट हैं और जो भी सीटेट 2022 में शामिल हो रहे हैं, यानी कि अभी उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है और वो पेपर देना चाहते हैं केबीएस का, कि अगर इन फ्यूचर उनको वैकेंसी में आगे आने वाली जो भी वैकेंसी हो उसमें बैठने का मौका मिले तो एक एक्सपीरियंस उनके पास रहे कि केबीएस का उन्होंने पेपर दिया है। तो फ्री में फॉर्म को कैसे भरना है इसके हम बारे में बता देते हैं आपको। देखिए यहां पे ₹1500 फीस रखी गई है, ₹1500 फीस जो है अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप अगर ओबीसी के या फिर जनरल के कैंडिडेट हैं और फॉर्म को भरना चाहते हैं, सीटेट अपेयरिंग है यानी कि आप बीएड बीटीसी कर रहे हैं और फॉर्म को भरना भर करके पेपर देना चाहते हैं तो आपको एससी एसटी या फिर पीएच कैटेगरी में फॉर्म को भरना होगा। आप यहां पे कैटेगरी को जैसे ही एससी एसटी या फिर पीएच सेलेक्ट करेंगे आपका जो है फीस यहां पे जीरो हो जाएगा, ₹1500 आपके बच जाएंगे और आप इजीली जो है पेपर दे पाएंगे। अब कई लोग यहां पे सोच रहे होंगे कि इन फ्यूचर उनको जो है बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होता है। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि पेपर देने के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए फॉर्म को भर देते हैं और यहां पे फ्री में पेपर को दे देते हैं, उसके बाद अगर फ्यूचर में वैकेंसी आती है तो उनको एक अनुभव रहता है कि पेपर को कैसे जो है देना है। तो ये आपके लिए रहा। और बाकी जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिनके पास सारे सर्टिफिकेट हैं वो फ्री में फॉर्म भरने की कोशिश मत करें, वो जनरल कैटेगरी के हैं ओबीसी के हैं तो ₹1500 पे करके हर एक चीज ध्यान में रख करके फॉर्म को भरें। लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी कठिनाई है कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका जो है आपको रिप्लाई विद इन टाइम मिल जाएगा। अब यहां पे एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका जो है मार्च महीने में हर हालत में यहां पे करवा लिया जाएगा, तो उसी को जो है मान करके बेस्ट बुक का भी वीडियो आपको दिया जाएगा, देख लीजिएगा, वहीं से आपका जो है सारा पेपर आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।